किसी ने लिखा था कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो देश का युवा ने तो ठान लिया है कि भाजपा हटाना है। जिस हिसाब से देश के युवा ने ठाना है, तो अब की बार 4 जून को जो परिणाम आने वाले हैं उसमें से इंडिया अलायंस की बहुत सारी सीटें आएंगी। 4 जून को आप लोग दिन में दिया लेकर ढूंढोगे ना, तो ना भाजपा का लोग मिलेगा ना भाजपा का कार्यकर्ता मिलेगा। कि पूर्वांचल में योगी जी ये नारा लगा रहे हैं कि अब की बार यूपी में 80 पार। ऐसे 80 पार? हाँ। कैसे 80 पार? यूपी का युवा योगी को वोट देगा? हाँ। हर परीक्षा को उलझा देंगे एक केस में। हाँ। बस आप परीक्षा फॉर्म भरते रहिए हमारे उत्तर प्रदेश में। अब की बार 80 पार नहीं, 80 घाट, बनारस का 80 घाट। हाँ। योगी जी 80 घाट। आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी ने, योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए क्या किया है? भाई साहब, इतना दिन बाद तो पुलिस का वैकेंसी निकलता है। हाँ। ठीक, 60,000 वैकेंसी। हाँ। 50 लाख से ज़्यादा लोग उसमें फॉर्म भर देता है। हाँ। एक फॉर्म की कीमत 400 रुपये होती है तकरीबन। हाँ। अब आप बताइए, वो भी परीक्षा लीक हो जाती है। हाँ। जिस राज्य की परीक्षा लीक होती है। हाँ। उस राज्य का मुख्यमंत्री वीक होता है। हाँ। अब योगी जी पढ़े लिखे हैं कि नहीं है भैया? हम लिखा होगा। हाँ। जो नेता पढ़ा लिखा होगा। हाँ। वो पढ़े लिखो की बात करेगा, शिक्षा पर बात करेगा। हाँ। महंगाई पर बात करेगा, बेरोजगारी पर बात करेगा, किसान पर बात करेगा, जवान पर बात करेगा। हाँ। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने तो साफ कह दिया है भैया। हाँ। कि सरकार किसी न किसी दिन बदलेगी। हाँ। और जिस दिन सरकार बदली, ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि दोबारा ही कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये धमकाने वाली बात है या है? मिट्टी में मिला देंगे वो का है? हाँ। का है वो? हाँ। वो धमकी नहीं है? हाँ। देश के गद्दारों को मारो, वो धमकी है कि नहीं है? हाँ। बताइए कि हमारे राज्य में माफिया जो जनता नहीं कर पाई, जो जनता नहीं कर पाई वो ईडी और सीबीआई ने कर दिखाया, ये का है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट है। मैं राम और कृष्ण के बारे में बता रहा था, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मानस भी पढ़ता हूँ और कृष्ण के बारे में भी अध्ययन करता हूँ मैं, तो राम कृष्ण और कंस और रावण के बारे में आप देखिए, राम कृष्ण और कंस का एग्जांपल देके आप निशाना, नाम नहीं लिया था। निशाना आप उधर, बहुत काबिल पत्रकार है और इसने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी वाला पापी है। और जब जब हो धर्म बढ़ानी बढ़ाए असुर महाअभिमानी, तब तक भगवान का जन्म हुआ है। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तब क्या ही समझाया जाए भाई। अरे हम तो हिंदी में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, गुलिस्ता करने को बर्बाद, गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। और साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या कहना। 4 जून को क्या होगा? 4 जून को वही हो, मोदी तो जाएंगे और हम आपको लड्डू खिलाएंगे, वही होगा 4 जून को। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं और आपको बता दें कि इंडिया अलायंस का आज यहां पर एक बहुत बड़ी रैली है और हमारे साथ अनुराग ओझा जी हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या माहौल है और देश में क्या कुछ होगा 2024 में। सबसे पहले स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है जिस हिसाब से ये भीड़ बता रही है, 2024 में परिवर्तन होगा या फिर मोदी जी? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हाँ। और परिवर्तन 2024 में होकर ही रहेगा। हाँ। जिस प्रकार से तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की जा रही है। हाँ। उससे साफ पता चलता है कि जनता ने करवट लेना शुरू कर दिया है। हाँ। आपने देखा होगा मेयर चुनाव में चंडीगढ़ में। हाँ। किस प्रकार से धांधली की गई। हाँ। तो 24 के चुनाव में अगर धांधली नहीं होती है, हाँ, हमको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता है। तो भैया एक बात तो तय है कि मोदी जी हैं वहाँ पे, कहाँ जाएंगे, जहाँ कहते हैं कि हम फक्कर फकीर है, थैला उठाएंगे और चले जाएंगे। हाँ। क्योंकि इनके पास 6,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा आ गया है इलेक्टोरल बोर्ड के माध्यम से। हाँ। प्रधानमंत्री फंड कोष में कितना पैसा है ये अभी ना हमको मालूम है ना आपको मालूम है, क्योंकि वो सामने नहीं आया है। हाँ। जिस दिन सब पैसा इकट्ठा हुआ, मोदी जी झोला उठा के भाग जाएंगे और यही इंडिया अलायंस का लोग मोदी जी को पकड़ कर लाएंगे। क्योंकि बैंक लूटकर नीरो भागा सोता चौकीदार है और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर नेहरू जिम्मेदार है, तभी वाली बात नहीं चलेगी। इंडिया अलायंस का लोग पकड़ पकड़ कर तमाम भगोड़ों को लेकर आएगा। हाँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की में दो योजना चल रही है, उनको भगोड़ा बता रहे हैं और वो देश को कह रहे हैं कि हम सशक्त और विकसित राष्ट्र बना रहे हैं और अब की बार 2024 में 400 पार का नारा लगा रहे हैं। देखिए, विकसित भारत और सशक्त भारत कब बनता है? हाँ। जब देश का युवा रोजगार पाए। हाँ। देश की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। हाँ। देश का पत्रकार भी अपने आप को आज़ाद पत्रकारिता कर पाए। अमेठी चले जाइए, पूछ लीजिए 13 रुपये किलो चीनी कहाँ है, सारी पत्रकारिता आपके उल्टे करके आपको दे दिया जाएगा। हाँ। हो सकता है आपके चैनल वालों से बातचीत करके आपको निकलवा भी दिया जाए। हाँ। तो यही तो चल रहा है, पत्रकार को आज़ादी नहीं, युवा को आज़ादी नहीं, महिला को आज़ादी नहीं, किसान को आज़ादी नहीं। हाँ। और संविधान को बदलने के लिए 24 घंटा रणनीति बनाई जा रही है। हाँ।
तो क्या लगता है कि ये लोग संविधान को पूरी तरह से बदल देंगे? बिल्कुल 24 के, अरे एक इनका नेता ही कहा था ना कि अगर 400 पार होते हैं तो संविधान को बदल दिया जाएगा। अब बताइए कि जिन्होंने पहले ही कह दिया हो तो संविधान बदलने के लिए ही पूर्ण रूप से और परिपक्व रूप से काम कर रहे हैं। पूर्वांचल क्षेत्र से आप आते हैं, गोंडा आपका जनपद गृह जनपद है, ये बताइए कि पूर्वांचल में योगी जी ये नारा लगा रहे हैं कि अब की बार यूपी में 80 पार। ऐसे 80 पार? कैसे 80 पार? यूपी का युवा मोदी योगी को वोट देगा? हर परीक्षा को उलझा देंगे एक केस में। बस आप परीक्षा फॉर्म भरते रहिए हमारे उत्तर प्रदेश में। अब की बार 80 पार नहीं, 80 घाट, बनारस का 80 घाट। हाँ योगी जी 80 घाट। आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी ने, योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए क्या किया है? भाई साहब इतना दिन बाद तो पुलिस का वैकेंसी निकलता है, ठीक, 60,000 वैकेंसी, 50,00,000 से ज्यादा लोग उसमें फॉर्म भर देता है। एक फॉर्म की कीमत 400 रुपए होती है तकरीबन। अब आप बताइए वो भी परीक्षा लीक हो जाती है, जिस राज्य की परीक्षा लीक होती है उस राज्य का मुख्यमंत्री वीक होता है। अब योगी जी पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं भैया, हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि केजरीवाल साहब पूछते थे कि मोदी जी की डिग्री कहाँ है, भेज दिए जेल में, तो हम नहीं पूछेंगे। डिग्री तो दिखाई गई ना उनकी, डिग्री यूनिवर्सिटी की डिग्री, कौन सा डिग्री दिखाया गया था? आपका डिग्री का है, क्योंकि डिग्री पे ही सवाल। मोदी जी से मैं तमाम विपक्षी नेताओं से कहना चाहता हूँ कि डिग्री पर भी सवाल पूछो, क्योंकि जो नेता पढ़ा लिखा होगा, जो नेता पढ़ा लिखा होगा वो पढ़े लिखों की बात करेगा, शिक्षा पर बात करेगा, महंगाई पर बात करेगा, बेरोजगारी पर बात करेगा, किसान पर बात करेगा, जवान पर बात करेगा। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने तो साफ कह दिया है भैया कि सरकार किसी न किसी दिन बदलेगी, और जिस दिन सरकार बदली ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि दोबारा ही कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये धमकाने वाली बात है या है? ये मिट्टी में मिला देंगे वो का है? का है वो? वो धमकी नहीं है? देश के गद्दारों को मारो वो धमकी है कि नहीं है? बताइए कि हमारे राज्य में माफिया जो जनता नहीं कर पाई, जो जनता नहीं कर पाई वो ईडी और सीबीआई ने कर दिखाया। ये का है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदन में कहा था कि जो जनता नहीं कर पाई वो ईडी और सीबीआई ने कर दिखाया। इन्हीं का नेता है अनुराग ठाकुर, देश के गद्दारों को जूता मारो बोला था, नहीं बोला था? अब आप बताइए वो लोग धमकी नहीं देते हैं? बताइए, ऐसे काम नहीं होता भाई, बोलना पड़ेगा। वो करे तो रामलीला, हम करे तो करेक्टर डीला। वाह भाई वाह, हमारे यहाँ तो सब लोग, बताइए भाई, देश का वो हर आदमी गद्दार है जो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सवाल नहीं पूछता है, संविधान बचाने की बात नहीं करता है। शिक्षा पर 18% की जीएसटी लग गई फिर भी अगर वो खामोश हो तो मेरी नज़र से वो गद्दार है। बताइए हम भाई पढ़ने वाले अभी युवा हैं, और हमारे शिक्षा पर 18% की जीएसटी लग गई, अगर पढ़ने वाला युवा अगर नहीं बोल रहा है तो युवा गद्दार है। महिलाओं की आए दिन जल लूटी जा रही है फिर भी महिलाएं खामोश हैं, तो महिला कहीं ना कहीं गलत है। किसानों के ऊपर लाठी बरसाई जा रही है, किसान अपना एमएसपी की बात करता है तो किसानों को खालिस्तानी बोला जाता है, और फिर भी किसान कि वहां पर नेता आते हैं ये सब काम करने के लिए। किसान है, किसान तो खेत में काम करता है, किसान उन लोगों का बयान आता है। एक चीज बताइए, बयान किनका आता है? बीजेपी के लोगों का आता है। बीजेपी का लोग चाहता है कि हम ऐसा बयान देंगे। कंगना रनौत भी किसानों को लेकर बोली थी, किसान की जो महिलाएं थी, किसान महिलाएं, उनको लेकर बोली थी। तो बताइए कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देने वाले लोगों को जब संरक्षण दिया जाएगा, किसानों की एमएसपी खाक दुगनी की जाएगी। अब तमाम किसान भाइयों को सोचने और समझने की जरूरत है कि भाजपा हटाओ, भाजपा मुक्त करोगे तभी आपकी एमएसपी लागू की जाएगी। महिलाएं भाजपा मुक्त करेंगी तभी उनको इज्जत आबरू मिलेगी। अगर युवा भाजपा मुक्त भारत बनाएगा तभी भारत सशक्त बनेगा और उसको रोजगार मिल पाएगा। अगर देश का युवा ने चाह लिया, किसी ने लिखा था कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, तो देश का युवा ने तो ठान लिया है कि भाजपा हटाना है। जो जिस हिसाब से देश के युवा ने ठाना है, तो अब की बार 4 जून को जो परिणाम आने वाले हैं उसमें से इंडिया अलायंस की बहुत सारी सीटें आएंगी। 4 जून को आप लोग दिन में दिया लेकर ढूंढोगे ना, तो ना भाजपा का लोग मिलेगा ना भाजपा का कार्यकर्ता मिलेगा। इतना ज्यादा सीटें आने वाली है इंडिया अलायंस के। से पता कैसे होता कि 400 पार जब ये इनके इनके ही पास में है जो वीवीपैट है। अभी आप ही लोगों के सामने में जब हमारा सब कुछ का इंटरव्यू करा, जब ही आप लोग जो थे तो क्या हुआ था, जब हम 4 गो का दबा रहे थे तो बटन किसके निकल रहा था, चीन किसके निकल रहा था, मोदी के, फूल के। तो इनके तो सारे दोहरा रवैया, इनके सब
चीज तो देश के जनता जान ही गए हैं। तब कैसे दावा कर रहे हैं अनुराग जी ये 400 पार का? देखिए 400 पार का मतलब आप समझते हैं, पढ़े लिखे पत्रकार होंगे, अगर 400 पार आता है तो सिलेंडर का रेट 4000 पार, अगर 400 पार आता है तो डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट, गेहूं का रेट, सरसों का रेट, सबका 400 पार हो जाएगा। और अगर आप, हो सकता है कि आपको अभी 500 रुपये पेटीएम में प्राप्त होता है, फिर 4000 प्राप्त होने लगे, तो कहने का मतलब 400 पार तो ईवीएम की बदौलत। अभी लोकतंत्र है कि नहीं है? लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए ये लोग रणनीति बनाते हैं, और लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया एयरलाइंस का भीड़ इकट्ठा हुआ है, आप देख ही रहे हैं। सुनिए भाई, कैमरे में भीड़ को भी कैद किया जाए, जरा भीड़ भी दिखाया जाए कि यहाँ पर आज कितने लोग रामलीला मैदान दिल्ली में आए। अरे भैया इन लोगों इससे बहुत बहुत बाहर है, बाहर तो पब्लिक बहुत है, दवा के पब्लिक। इन लोगों को उम्मीद है कि इंडिया एयरलाइंस का लोग हमारे लिए कुछ बड़ा कर सकता है, कुछ अच्छा कर सकता है। महिलाएं यहाँ पे इसलिए आई हैं कि अगर इंडिया एयरलाइंस की सरकार बनेगी तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। युवा इसलिए आया है, राहुल गांधी जी ने तो अपने मैनिफेस्टो में भी लिख दिया है कि हमारी सरकार बनते ही तमाम खाली पदों को भरा जाएगा। दिल्ली में तीनों लोकसभा की सीटें हमारी आएगी भाई साहब, तीनों की तीनों हमारी आएगी लोकसभा की, और चार केजरीवाल की आएगी, मतलब सातों की सातों सीट इस बार इंडिया एयरलाइंस की है। और मोदी जी की तानाशाही खत्म होने वाली है, क्या लगता कुछ है? नहीं लगता है हमको, हमको कुछ नहीं लगता, ये आपको नहीं लगता, लगता है अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, और हमको ये लगता है कि 24 के बाद में चाचा और भतीजा का क्या होगा। अपनी मोदी जी जाने वाले हैं, हमारा अच्छे दिन आने वाले। आज मोदी जी की मेरठ में रैली है, और पहली रैली अपनी वहां से कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जब जब हम मेरठ से रैली किए हैं तब तब हम विजयी हुए। देखिए एक चीज मैं बता दूं, हम आज खड़े कहां पे हैं? रामलीला मैदान, रामलीला मैदान दिल्ली। राम जिसके नाम के आगे ही राम हो, समझिए मैं एक ब्राह्मण हूँ, सनातनी ब्राह्मण हूँ। राम, राम ने रावण को हराया नहीं हराया? ये भीड़ केजरीवाल के लिए खड़ी हुई है, इंडिया एयरलाइंस की भीड़ है। कहाँ से केजरीवाल, कहाँ से कृष्ण? कृष्ण ने कंस को हराया कि नहीं हराया? हराया। तो आप बताइए कि राम की जगह पे कृष्ण भी खड़े हैं, राम भी खड़े हैं, तो पापियों का उद्धार होगा। पापी बोल रहे हैं बीजेपी वाले। मैंने नाम लिया है। आप समझते हैं कि बीजेपी वाला पापी है, आप कह रहे हैं? मैंने तो भैया किसी का नाम नहीं लिया, मैं राम और कृष्ण के बारे में बता रहा था। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मानस भी पढ़ता हूँ, और कृष्ण के बारे में भी अध्ययन करता हूँ मैं तो। राम कृष्ण और कंस और रावण के बारे आप देखिए, राम कृष्ण और कंस का एग्जांपल देके आप निशाना, नाम नहीं लिया था, निशाना आप उधर। बहुत काबिल पत्रकार है, और इसने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी वाला पापी है। और जब जब हो धर्म पढ़ानी बढ़े असुर महाभिमानी, तब तक भगवान का जन्म हुआ है। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तब क्या ही समझाया जाए भाई। अरे हम तो हिंदी में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, गुलिस्ता करने को बर्बाद, गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, और साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या कहना। 4 जून को वही हो, मोदी तो जाएंगे और हम आपको लड्डू खिलाएंगे, वही होगा 4 जून को। आएगा इंडिया एलायंस जीतेगा, जुड़ेगा भारत, राहुल गांधी जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। वो पार्टी तय करेगी, इंडिया एलायंस का मीटिंग होगा, वो लोग तय करेगा। मेयर चुनाव में आपको पता चल गया होगा कि कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है। मेयर चुनाव में आपको दिख गया होगा कि कैसे बीजेपी ने अपनी चालबाजी दिखाई, और अपने जो भी वो जो वहाँ पे थे उन्होंने ऐसी जुगलबाजी करके हमें हराने की कोशिश करी, पर फिर भी जो इंडियन जस्टिस हमारे साथ है। एक चीज और बता दीजिए अनुराग जी, तथ्यों के साथ यूपी आपको इंडिया एलायंस कांग्रेस और बीजेपी वालों ने भेजा है लिख के? नहीं, यूपी में 80 सीटों में कितनी इंडिया एलायंस की कितनी सीटें? इंडिया एलायंस 70+ रहेगी। 70+ मन न रंगावे, रंगावे जोगी कपड़ा, तो मतलब उसके कहने से हम थोड़ी मान लेंगे 80 में 80 आती है तो ईवीएम, अगर 400 पार जाता है तो ईवीएम, दिल्ली में 7-7 जीतता है तो ईवीएम, ईवीएम में उसने अगर सेटिंग कर रखी है तो भाई वो जितना बोल देंगे आ जाएगी, आ जाएगा। और अगर ईवीएम हट जाएगा, वैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा, 40 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी की आ जाएगी तो फिर बात करना। ठीक है भाई, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपको बता दें कि हमारे साथ अनुराग ओझा जी हैं, और रामलीला मैदान से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आखिरकार तो 4 जून को पता चलेगा क्या कुछ होगा, तब तक आप देखते रहिए पीजी न्यूज। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।